क्या चल रहा था टॉपिक? IGMDP, ठीक। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ठीक। हाँ, ग्रह उपग्रह ये सब आपके भूगोल में मिलते हैं ना। आपका दूसरा टॉपिक इन्वायरमेंट भी चल रहा होगा। जीएस में बस साइंस टेक ही चल रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल भी तो चल रहा होगा। धनंजय जी ले रहे होंगे। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं स्पीड से कहां चल रहा हूं? मैं तो धीमे पढ़ा रहा हूं। मैं कहां स्पीड से पढ़ा रहा हूं? स्पीड से पढ़ाता तो आपका साइंस टेक 20 दिन में खत्म हो जाता। इकोलॉजी अभी नहीं चल रही है आप लोगों की? मैं समझा कि शायद इकोलॉजी चल रही होगी। चलिए, तो डीएम के बाद फिर पढ़ाएंगे इकोलॉजी। चंडीगढ़ में इन्वायरमेंट पढ़ाया था मैंने, मनीषा जी, और वहां पे साइंस टेक के लिए तुरंत ही बोला गया था, तो मैं कहीं दूसरी जगह था। हाँ, बिट्टू सर ही पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट आप लोगों को। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब पढ़ाने वाली चीज थोड़ी है। एथिक्स के 2-3 टीचर हैं अमन जी, अब देखिए कौन पढ़ाता है, हमको जानकारी नहीं है। वेद सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। अब पता नहीं कौन पढ़ाएगा, हमको नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रीटी वगैरह ये सब पढ़े होंगे आप ना,
जैसे MTCR, TT, NPT, CTBT, वेसनार संधि, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट हैं, आप उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा? मेरे भाई ये सब इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट हैं। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली क्या है ना कि जो संधियां होती हैं ये देशों के रिलेशन पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे आपका एनपीटी है, सीटीबीटी है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, नाभिकीय हथियारों से संबंधित है। फिर दूसरा आपका है वेसनार संधि है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, और आपका वो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। ये सब आपके नाभिकीय सामग्री जो होती हैं, यूरेनियम के व्यापार से रिलेटेड ट्रीटियां हैं। तो इन सब संधियों को हम बेसिकली पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ काम नहीं होता है, टेंशन दिया जाता है। ठीक है, हाँ टेंशन लेते नहीं है, लाइफ में टेंशन देते हैं। बिल्कुल पढ़ाए होंगे सर, तो यहां पे भी हम, हाँ तो यहां पे हम नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित ट्रीटी आएगी, इसकी हम चर्चा करेंगे आपको। और बाकी ट्रीटी के बारे में जो नोट्स आपको रहेगा, नोट्स में भी आपको हम दे देंगे। ठीक चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। कल हम लोग IGMDP के बारे में पढ़ रहे थे, और उसके तहत हम लोगों ने देखा था कि जो DRDO है, IGMDP के तहत 5 प्रकार की मिसाइलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा, और इस मिसाइलों के निर्माण के फलस्वरूप उसमें जो अग्नि मिसाइल थी, उस अग्नि मिसाइल्स की उपयोगिता को देखते हुए उसको IGMDP से अलग कर लिया गया और एक नई अग्नि परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है ना, और उस अग्नि परियोजना के तहत, उस अग्नि परियोजना के तहत जो है अग्नि मिसाइलों का निर्माण किया गया। दीपिका जी, एनेक्सिटी अटैक, एनेक्सिटी जो ऑपरेशन है ये इसी तरीके से मिसाइल विकास कार्यक्रम का ही है। अब जो DRDO होता है, DRDO जो मिसाइल्स का निर्माण करता है वह 2 उद्देश्यों के लिए करता है। उसका पहला उद्देश्य होता है सामरिक, और दूसरा उसका उद्देश्य होता है रणनीतिक। तो एक को हम बोलते हैं टैक्टिकल, एक को हम बोलते हैं टैक्टिकल। पाकिस्तान बोला इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो बोलेगा ही ना, मन में डर समाया हुआ है तो बोलेगा ही, बोलने दो, वो
वो तो अब कुछ कर नहीं सकता है, क्या करेगा। जिसके यहाँ एक अंडे की कीमत आज के समय में 30 रुपए है, जहां पे अदरक 1,000 रुपए किलो मिल रहा है, जहां पे टमाटर 500 रुपए किलो मिल रहा है, खाने को लाले पड़े हैं, तो क्या करेंगे। भारत को तो धमका तो सकते नहीं है, तो इसी तरीके से आरोप लगाएंगे, बात दूसरी है, छोड़िए उसको। तो जो टेक्टिकल दो प्रकार के उद्देश्य के लिए जो डीआरडीओ मिसाइल्स का निर्माण करती है, एक है आपका टेक्टिकल और दूसरा है आपका स्ट्रेटेजिकल। ठीक, टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल। टेक्टिकल को हम बोलते हैं एक तरीके से सामरिक मिसाइल, और स्ट्रेटेजिकल को हम बोलते हैं रणनीतिक मिसाइल्स। ठीक है ना। तो जो सामरिक मिसाइल होती है, जो टेक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, वो युद्ध क्षेत्र में आमने सामने लड़ने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, आमने सामने वार करने के लिए बनाई जाती हैं। और जनरली जो स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स होती हैं, ये जो स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स, या इनको हम रणनीतिक मिसाइल्स बोलते हैं, ये दुश्मन देश के अंदर, मतलब देश के अंदर जाके हमला करने वाली होती हैं, और विशेष तौर से इनका जो निर्माण होता है वह दुश्मन देशों को डराने के लिए किया जाता है कि हमारे पास इस प्रकार के हथियार मौजूद है। ठीक है, तो जैसे आपका पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, ये सब जो टेक्टिकल की कैटेगरी में है। लेकिन अग्नि श्रेणी की कुछ मिसाइलें जो हैं वो स्ट्रेटेजिकल कैटेगरी की हैं, जो लंबी दूरी तक मार करती है। ठीक है, जैसे अग्नि 5 हुआ, अग्नि 6 जो होगा, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग मिसाइल पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप लोगों ने रॉकेट पढ़ा था ना, तो मिसाइल्स की रूपरेखा भी जस्ट रॉकेट की तरह होती है। ये हमारा लॉन्चिंग पैड होता है, जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। और जनरली मिसाइल्स के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जो होता है वो फ्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूल सिस्टम। दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। ठीक, यानी कि मिसाइल्स को कंट्रोल करने वाला पार्ट। और इसका जो ऊपरी चरण होता है, इस ऊपरी चरण में हथियार रखे जाते हैं, वॉरहेड, जिसको हम बोलते हैं युद्धास्त्र। ठीक, तो सामान्य मिसाइल्स के लिए 3 चरण होते हैं। अब जो फ्यूल सिस्टम है, इस फ्यूल सिस्टम में जैसे हम लोगों ने रॉकेट का फ्यूल पढ़ा था, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन था, और ये था आपका अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राइड, दोनों यही फ्यूल थे। अब जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम कई प्रकार से होते हैं। कुछ जो मिसाइलें होती हैं वो लेजर के द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं लेजर गाइडेड मिसाइल्स। कुछ जीपीएस के द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स। कुछ मिसाइल्स रडार के द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रडार गाइडेड मिसाइल्स। कुछ हीट के द्वारा भी कंट्रोल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं हीट गाइडेड मिसाइल्स। तो जिस टाइप्स की मिसाइल्स जैसे कंट्रोल होती है, उसको उसी के अनुसार नाम दिया जाता है। ठीक है, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स, रडार गाइडेड मिसाइल्स वगैरह। अब यहां पर जो वारहेड होता है, ये वारहेड 2 प्रकार से होता है। एक को हम बोलते हैं कन्वेंशनल और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक हथियार और
गैर पारंपरिक हथियार। तो जनरली हम मिसाइल्स में पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। पारंपरिक हथियारों का मतलब जैसे आपका बुलेट हो गया, बम हो गया, आरडीएक्स हो गया, टीएनटी हो गया, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली हम मिसाइल्स में गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और गैर पारंपरिक हथियारों में विध्वंसक हथियार आते हैं, जैसे आपका बायोलॉजिकल बम आ गया, ठीक है, या फिर एटम बम, हाइड्रोजन बम, दैट मींस कि न्यूक्लियर बम, ठीक है। यानी ये जन संहारक हथियार होते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गया, या केमिकल वेपन्स हो गया, जो कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम। अब सोचने वाली बात है कि मिसाइल्स कहते किसको है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ, पारंपरिक हथियारों में आपका बुलेट, बम, आरडीएक्स, टीएनटी, टीएनटी को हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है ना, ये भी विस्फोटक पदार्थ। तो जो सिंपल मिसाइल्स होती हैं उनमें हम पारंपरिक हथियारों को रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं गैर पारंपरिक हथियारों के तौर पे, ठीक है ना। और गैर पारंपरिक हथियारों में हमारा आता है पहला न्यूक्लियर बम, दूसरा बायोलॉजिकल बम, ठीक है ना, जैविक हथियार, और तीसरा आते हैं हमारे रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियारों में जैसे ब्लिस्टर एजेंट होता है, ठीक है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे ही आपके शरीर पे टच करते हैं शरीर पे फफोले पड़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि जो वहां पे स्किन होती है वो जलने लगती है, जल जाती है। या दूसरा अगर हम कहें नर्व एजेंट, ऐसे ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपको पागल बना देते हैं, पागलपन के लक्षण उत्पन्न हो जाता है, ठीक। या फिर पल्मोनरी एजेंट जो आपकी श्वसन प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जैसे क्लोरोपिक्रीन हो गया, एक्रोलीन हो गया, ये सब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, आपके श्वसन दर को बिल्कुल कम कर देते हैं, जैसे अभी कोरोना के केस में हो रहा है, तो इससे भी आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ, जो नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल में जनरली तीन प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का अगर हम एग्जांपल देखें एटम बम, हाइड्रोजन बम, या जाएगा, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकल वेपन्स में हम चले, ठीक है, जैविक हथियार, तो जैविक हथियारों में कि कोई भी जहरीला पदार्थ या फिर जीवाणु या फिर विषाणु या फिर कवक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस। तीसरा होता है पहला न्यूक्लियर बायोलॉजिकल, तीसरा है आपका केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार। और रासायनिक हथियारों में पहला है आपका ब्लिस्टर एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट। ये ब्लिस्टर एजेंट क्या करते हैं, त्वचा को जला देते हैं और त्वचा पे फफोले पड़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका नर्व एजेंट, नर्व एजेंट, ये नर्व एजेंट क्या करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं और आपके अंदर पागलपन के लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। तीसरा है आपका पल्मोनरी एजेंट,
पल्मोनरी एजेंट ये श्वसन की दर को अत्यंत मंद कर देते हैं, श्वसन की दर को अत्यंत मंद कर देते हैं, जैसे क्लोरोपिक्रीन या एक्रोलीन, एक्रोलीन ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, पल्मोनरी एजेंट के। तो ये सब कैसे हैं आपके रासायनिक हथियार, इनका इस्तेमाल मिसाइल्स में किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि मिसाइल्स कहेंगे किसको, जो मिसाइल्स हैं वो कहेंगे किसको, तो सुनिए ऐसे हथियार जिनको हम फेंक कर मारते हैं, ठीक है ना, ऐसे हथियार जिनको हम फेंक कर मारते हैं जिनकी मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर से अधिक फेंक कर मार करने वाले जो हथियार होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मिसाइल्स, ठीक। सामान्यतः जो इनका डेफिनेशन क्रिएट किया गया है मिसाइल्स का, ऐसे हथियार जिनको हम फेंक कर मारते हैं और जिनकी डिस्टेंस कम से कम 40 किलोमीटर होती है उन्हीं को हम मिसाइल्स बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं, ठीक है, मोटर इसमें आएगा, वो कंट्रोल सिस्टम में ही रहता है आकाश, ठीक है। जनरली मोटर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, फ्यूल ही काफी होता है, क्योंकि बहुत दूर तो जाना नहीं होता है, ठीक है, फ्यूल को जलाते हैं और वो क्या करता है, फ्यूल के थ्रू, जैसे पीएसएलवी यान है, पीएसएलवी में कोई मोटर नहीं लगा होता है, ठीक है, बट उसको संचालित करने के लिए क्या फिर से स्टार्ट हो गया। अरे दीपिका जी थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, हमको सिस्टमेटिक चलने दीजिए, नहीं अभी हम तुरंत बैलिस्टिक और क्रूज पे आ जाएंगे तो फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, जो फेंक कर मारते हैं जिसकी दूरी मिनिमम 40 किलोमीटर होती है उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, मिसाइल्स बोलते हैं, ठीक है। फेंक कर भाला भी मारा जाता है, ये भी जान लीजिए, हाँ 40 किलोमीटर मिनिमम होता है, ये डिफिनेशन क्रिएट की गई है आपके मिसाइल्स की, ठीक है ना। बट बहुत सारी मिसाइलें हैं जो 40 किलोमीटर से कम रेंज में भी मार करती हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन जो डिफिनेशन क्रिएट की गई है, ऐसे हथियार जिनको हम फेंक कर मारते हैं और जिनकी मिनिमम दूरी 40 किलोमीटर होती है, वैसे हथियारों को हम मिसाइल्स बोलते हैं। तो मिसाइल्स के बेसिकली ये तीन सेक्टर होते हैं, फ्यूल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और आपका वॉरहेड सिस्टम, ठीक है ना। अब जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल सिस्टम होता है, कोई भी मिसाइल्स केवल लिक्विड फ्यूल वाले नहीं होती, जनरली दुनिया की जितनी भी मिसाइलें हैं सभी मिसाइलों में सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तरल ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अगर तरल ईंधन का प्रयोग किया भी जाएगा तो सॉलिड के साथ किया जाएगा, केवल तरल ईंधन वाला कोई भी मिसाइल्स दुनिया में नहीं है, ठीक है ना, सॉलिड के ही है, मैक्सिमम सॉलिड के हैं, या सॉलिड के साथ जो लंबी दूरी वाले होते हैं उनमें लिक्विड ईंधन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा इसका पार्ट जो है, हाँ नमस्कार नमस्कार अरविंद कुमार जी, जो दूसरा इसका, अरे मास्क हटा दो, अब कोरोना घर में थोड़ी फैल रहा है, दूसरा इसका जो कंट्रोल सिस्टम है, इस कंट्रोल सिस्टम में जिस मिसाइल्स को जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है उस मिसाइल्स को हम वही नाम देते हैं। जैसे अगर किसी मिसाइल्स को हम लेजर के द्वारा कंट्रोल करते हैं तो उसको हम लेजर गाइडेड मिसाइल्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम किसी मिसाइल्स को जीपीएस के द्वारा कंट्रोल करेंगे तो हम उसको जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स बोल देते हैं। जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स में एग्जाम्पल है आपका लाहट,
ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स है हमारी, ठीक है। अगर हम जीपीएस या इलेक्ट्रॉनिक, दोनों एक ही बात है, गाइडेड मिसाइल्स की बात करें तो अग्नि श्रृंखला की जो मिसाइलें होती हैं वो जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। रडार गाइडेड मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो पृथ्वी श्रृंखला के जो मिसाइल्स होती हैं मैक्सिमम वो रडार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, ठीक। और अगर हम हीट गाइडेड मिसाइल्स की बात करें तो जनरली ये क्रूज मिसाइल्स होती हैं, जो किसी भी स्थान के हीट को पहचान कर वहां पर हमला करती हैं, सेंसिटिविटी और टेम्परेचर को पहचान कर हमला करती हैं, और विशेष तौर से उस स्थान से निकलने वाली इंफ्रारेड को पहचानती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका हेलिना, हीट गाइडेड मिसाइल्स का एग्जाम्पल है आपका हेलिना, ठीक है। एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है। आकाश जी उसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ, ठीक है। दैट इज क्रूज मिसाइल्स, अभी आएगा आगे मैं बताऊंगा, उसको हम क्रूज मिसाइल्स बोलते हैं। दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट होता है आपका वॉरहेड। वॉरहेड की अभी हम चर्चा करें, युद्धास्त्र की पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ठीक है। जो रडार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं मोहम्मद कैदी, वो रडार के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो जो पृथ्वी श्रृंखला के आपके मिसाइल्स हैं वो जनरली रडार गाइडेड होती हैं। अश्विन भी है, प्रद्युम्न भी है, ये सब रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं, ठीक है ना। पिनाक ये भी रडार गाइडेड मिसाइल्स है, और पिनाक तो एक तरीके से एंटी बैरल मिसाइल्स है, ये एक साथ कई मिसाइलों को लॉन्च करती है। ठीक है, अब इस मिसाइल्स का जो दूसरा चरण है, ये तो मिसाइल्स का इंट्रोडक्शन हो गया, अब देखते हैं कि मिसाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नहीं नहीं रोहन कुमार जी, रॉकेट में नहीं, मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, रॉकेट तो यहां नाम ही मत लीजिए। जितने भी मिसाइल्स होती हैं दुनिया की, उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, या सॉलिड के साथ लिक्विड इस्तेमाल होता है, केवल लिक्विड बेस्ड कोई भी मिसाइल्स नहीं होती। अब टाइप्स ऑफ मिसाइल, मिसाइल्स के जो प्रकार हैं उनको तीन प्रकार से इनको डिफाइन किया जाता है। पहला है आपका ये बेस्ड ऑन टारगेट, ठीक है। बेस्ड ऑन टारगेट, बेस्ड ऑन यूज, प्रयोग के आधार पर, और दूसरा बेस्ड ऑन पाथ, मार्ग के आधार पर, ठीक। अभी विवेक जी आगे आने दीजिए तो मैं सब क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल्स हमारे पास है, ठीक। अब देखिए
टाइप्स ऑफ मिसाइल्स में पहला अगर हम देखें बेस्ड ऑन टारगेट, ठीक है, तो बेस्ड ऑन टारगेट में कई प्रकार के होते हैं। पहला सरफेस टू सरफेस, ठीक, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल्स। दूसरा सरफेस टू एयर, तीसरा एयर टू एयर, चौथा एयर टू सरफेस। ये चार प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन टारगेट के आधार पर, ठीक है। सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल्स। सनी जी भी थोड़ा सा धीरज रखिए, मुझे आगे की चीजें आप लोग पूछ देते हो। एंटी मिसाइल्स का मतलब होता है ऐसी मिसाइल्स जो किसी दूसरे मिसाइल्स को मार गिराती है। ये सब आगे आएगा, अभी कहें घबरा रहे हैं। ठीक, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स, दूसरी है आपकी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स, तीसरी है आपकी हवा से हवा में मार करने वाली, और चौथी है आपकी हवा से सतह में मार करने वाली, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है बेस्ड ऑन यूज, यानी प्रयोग के आधार पर जो मिसाइलों का निर्माण किया गया है उनका प्रयोग कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है कि मिसाइलों का जो प्रयोग होता है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है तो है आपका टैक्टिकल, ठीक है, दूसरा है आपका स्ट्रेटेजिकल, ठीक, दोनों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल। यानी कि टैक्टिकल जो मिसाइल्स होती हैं वो युद्ध क्षेत्र में तात्कालिक प्रयोग के लिए होती हैं, और जो स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स होती हैं वो जनरली डराने के लिए होती, ठीक है। और इसी स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स में जैसे कल आपने पूछा था सूर्या है ना, तो आपने वो भी देखा होगा, क्या वो मूवी भी देखा होगा ना, उसमें है सूर्या दमास, हाँ साउथ इंडिया की मूवी है। अगर एक्शन देखना हो तो साउथ इंडिया की मूवी देखा करो, है? उसमें साइंस के सारे नियम फेल हो जाते हैं। पैर पटकने पे आंधी आ जाती है ना, गोली मार देते हैं तो लगने के पहले ही हाथ से पकड़ ली जाती है। और एक जगह तो पूरे साइंस की थ्योरी को ही फेल कर दिया था, एक आदमी का हार्ट निकल के जंप करके दूसरे आदमी के बॉडी में फिट हो गया था। तो ये साउथ इंडिया की मूवी में होता है। अब साउथ इंडिया की मूवी फिर भोजपुरी नकल करने लगती है, सबसे अच्छी मूवी भोजपुरी मूवी होती है, ठीक। तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल, जैसे अभी आप लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो हाँ बिल्कुल बॉलीवुड से तो बेहतर है ही है, हमारा भोजपुरी तो बॉलीवुड से बेहतर है ही है। कम से कम उसमें अपनी लैंग्वेज होती है, अपना गांव की चीजें दिखती हैं, है ना, बनावटीपन तो कमी दिखता है ना उसमें। तो आप लोग, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग उसमें हो सकता है देखे भी होंगे, आप लोग आज ही एक मूवी देख लीजिएगा द कोर, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, द कोर। अगर इस मूवी को देख लिया ना इस मूवी को अगर देख लिया तो पृथ्वी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी,
बहुत अच्छी मूवी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसको कम से कम नहीं तो 20-25 बार देख रहा हूं। हाँ, हॉलीवुड की यही सब साइंस फिक्शन मूवी देखना ही चाहिए, ठीक है, जहां पे मनोरंजन के साथ आपको कुछ नॉलेज भी मिलता है। बाकी वीरा दी वेडिंग में कौन सा नॉलेज मिलेगा आपको? फालतू फालतू की मूवी देख देख के दिमाग करते हैं। उसी तरीके से हमारी जनरेशन भी पैदा हो जा रही है। और महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं जब होती हैं तो वो देखेंगी, क्या बोलता है, हनी सिंह का गाना सुनेंगी और सोचेंगी कि भगत सिंह जैसा बच्चा पैदा हो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो टेक्टिकल मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। तो जो अभी स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स डराने के लिए बहुत ही घातक मिसाइल्स बन रही है, उसका नाम है सूर्या, ठीक है। तो ये सूर्या अभी बन रही है, एक क्रूज मिसाइल्स है और ये सुपरसोनिक मिसाइल्स होगी और फिर इसका एडवांस वर्जन होगा हाइपरसोनिक, ठीक है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन पार्थ। अब इसको समझिएगा, यहां पे समझने वाली बात है। अब जो बेस्ड ऑन पार्थ होती हैं, यानी कि मार्ग के आधार पर जो मिसाइल्स होती हैं, उनकी दो कैटेगरी होती है। बेस्ड ऑन पार्थ के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की, एक को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे को हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल्स। ठीक, एक को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल्स। कैटेगरी, अब देखिए क्या है वो, अभी पूछा था किसी ने बैलिस्टिक। तो जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, तो डिफरेंस क्या होता है इनमें कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं, हाँ, पाथ में, ये सब पाथ में है, मार्ग में। तो बेस्ड ऑन पाथ के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। मिसाइल्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं दोनों पार्ट से आते हैं, जो टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसी मिसाइल्स जिनका पथ पूर्व निर्धारित होता है कि इनको हम लॉन्च करेंगे और ये ऐसे ही जाएंगी और इसी पॉइंट पे जाएंगी, तो वैसी मिसाइलों को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। यानी कि इनका जो मार्ग होता है वह निर्धारित होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, यानी कि ऐसे मिसाइल्स जिनका मार्ग यानी पथ जो होता है वो निर्धारित होता है। क्लियर? और इनका जो मार्ग होता है वह पैराबोला होता है, जिसको हम बोलते हैं पर बलया का, ठीक है, पैराबोला होता है। क्लियर? अब ये देखो मिसाइल्स क्या होती है। जैसे मान लो ये यहां पर हम हैं दिल्ली और ये है आपका कराची, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये लंबी दूर तक मार करने वाली होती हैं। तीन इनकी बेसिक कैटेगरी, पहला इनका मार्ग निर्धारित होता है और ये जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, परवलय मार्ग पर ये चलती हैं और ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होती है। जब हम इनको लॉन्च करते हैं, जैसे मान लो यहां पे मैंने मिसाइल किया, जब ये लॉन्च करते हैं इनको,
तो ये क्या करती हैं, अपने वायुमंडल, हमारे वायुमंडल को ये क्रॉस करती हैं। प्रभावी वायुमंडल कितना, 15 किलोमीटर, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर कितना, 50 किलोमीटर। तो ये हमारे प्रभावी वायुमंडल को क्रॉस करती हैं और वायुमंडल को क्रॉस करने के बाद अपने टारगेट पॉइंट के ऊपर पहुंचती हैं, और जब टारगेट पॉइंट के ऊपर ये पहुंचती हैं तो बहुत तेजी से अपने टारगेट पॉइंट पर हमला करती हैं, बहुत तेजी से। और जब यहां से ये नीचे हमला करती हैं तो ये दो फोर्स के अंतर्गत आता, एक तो खुद की स्पीड से और दूसरा यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। इस वजह से जब यहां से इस टारगेट पॉइंट पर ये हमला करती हैं तो इनकी स्पीड अचानक क्या जाती है, बढ़ जाती है, और लंबी दूर तक इनको भेजने के लिए जनरली हम इनको कितने एंगल पे लॉन्च करते हैं, 45 डिग्री पे। किसी भी वस्तु को दूर तक फेंकने के लिए कितने डिग्री पर लॉन्च किया जाता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाली होती हैं, जब हम इनको लॉन्च करते हैं तो ये हमारे वायुमंडल को क्रॉस करके अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचती हैं, और टारगेट पॉइंट पर जब ऊपर पहुंचती हैं तो फिर अपने टारगेट पॉइंट पर बहुत तेजी से हमला करती हैं, ठीक है, और ये डबल फोर्स के अनुसार हमला करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और अपनी खुद की गति। अब दूसरा देखिए, एक तो ये लंबी दूरी तक मार करती हैं और दूसरा हमारे वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है। तो वायुमंडल को क्रॉस करने के कारण इनको रडार के द्वारा आसानी से पकड़ा या पहचाना जा सकता है। ठीक, अरे थोड़ा सा धीरज रखना भाई, एक पे क्वेश्चन डाल देते हो। पूछा है कौन सी मिसाइल है जो टारगेट के हट जाने के बाद, अभी मैं दोनों मिसाइल्स बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आकाश जी, हम किसी भी मिसाइल्स को दूसरे देश के ऊपर से ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर उस देश को लगता है, या अगर हम ट्रेवल कराएंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी कोई मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हैं तो अपने हम पड़ोसी देश को सूचित कर देते हैं कि ऐसी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। अब हमला करने के लिए अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर से, मान लो हमारा एक एक ये देश है भारत है, यहां पे कोई और देश है, यहां पे कोई और देश है, और हमको यही हम करना चाहते हैं ना, हमको वहां हमला करना है, तो अगर ये मिसाइल इस देश के ऊपर से जाएगी तो डिपेंड करता है कि इस देश के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, ठीक है ना। अगर ये चाहेगा तो इस मिसाइल को ये मार गिराएगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा उससे रिलेशन है। जनरली कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके देश के ऊपर किसी भी देश की मिसाइल ट्रेवल करे, नहीं चाहता, ठीक है। तो अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जब हम इनको लॉन्च करते हैं तो चूंकि ये हमारे एटमॉस्फियर को क्रॉस करती हैं, वायुमंडल को क्रॉस करती हैं, इस वजह से इनको आसानी से रडार के द्वारा पहचाना जा सकता है, और जब इनको रडार पहचान लेते हैं तो इनको इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जब ये रडार के द्वारा पहचान ली जाती हैं तो इनको बड़ी आसानी से इंटरसेप्टर मिसाइल्स के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स को ही हम एंटी मिसाइल्स बोलते हैं, एंटी मिसाइल्स यानी ऐसी मिसाइल्स जो किसी दूसरे मिसाइल्स को मार गिराती हैं, वे कहलाती हैं इंटरसेप्टर मिसाइल, क्लियर। तो हमारे प्रभावी वायुमंडल को क्रॉस करने के कारण
जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चूंकि ये देखो दूर तक मार करती हैं, तो दूर तक मार करेंगी तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक ट्रेवल करेंगी, और ज्यादा देर तक ट्रेवल करेंगी तो रडार इनको आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ही ट्रेवल करती है। तो जब रडार के द्वारा इनको पहचाना जा सकता है, तो इंटरसेप्टर मिसाइल्स के द्वारा इनको आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब मान लो आपने कराची पे कोई टारगेट पॉइंट सेट किया और आपको सूचना मिली कि बस में आतंकवादी बैठे हुए हैं और आपने यहां से मिसाइल लॉन्च किया, ठीक है, और बाद में आपको यह पता चला कि बस में आतंकवादी नहीं, बस में तो बच्चे हैं, तब आप इस मिसाइल को कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी एक बार अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया तो फिर उस मिसाइल्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो अपने टारगेट पॉइंट पर ही गिरेगी। अगर ये टारगेट पॉइंट कहीं इधर उधर हट गया तो भी ये उसी पॉइंट पे गिरेंगी जहां पे आपने इसको सेट किया। यानी कि एक बार लॉन्च कर लेने के बाद हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, यानी कि इनके पथ में हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के फीचर हैं। पहला फीचर क्या है कि इनका मार्ग निर्धारित होता है, जो मार्ग होता है वो पैराबोला होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स लंबी दूरी तक मार करने वाली होती हैं, ठीक है, और ये हमारे लॉन्च करने के बाद इनको मैक्सिमम दूर के लिए 45 डिग्री पे लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद ये हमारे प्रभावी वायुमंडल को क्रॉस करती हैं और टारगेट पॉइंट के ऊपर जाकर फिर टारगेट पॉइंट पर तेजी से हमला करती हैं। क्लियर, वायुमंडल में ट्रेवल करने के कारण इनको रडार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स के द्वारा इनको हम नष्ट भी कर सकते हैं। एक बार लॉन्च कर देने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है, किसी भी प्रकार। ठीक है, अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कई प्रकार की होती है। ठीक है, अब इस बैलिस्टिक मिसाइल्स के हम अगर टाइप्स को देखें तो पहली है आपकी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक के टाइप्स है, ठीक, सनी जी उसी अनुसार से हमारे एंटी मिसाइल्स भी होनी चाहिए। जो एंटी सेप्टर मिसाइल्स हैं, कोई भी मिसाइल्स अगर जिसकी स्पीड ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होने चाहिए वो उसी कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, हर मिसाइल्स को जैसे जैसे मिसाइल्स होती हैं वैसे वैसे टाइप्स के हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी होते हैं। नहीं, इसको नहीं कहते हैं हर्ष जी, वो क्रूज को बोलते हैं, अभी आएगा मैं बता दूं एक बार। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनका टाइप्स है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। इनकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली होती है। दूसरी है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो 1000 से 2500 किलोमीटर के बीच मार करती है, 1000 से 2500 किलोमीटर के बाद। तीसरा होता है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो 2500 से 5000 किलोमीटर, 2500 से 5000 किलोमीटर। चौथी होती है इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनकी जो क्षमता होती है वो 5000 से अधिक होती है।
5000 किलोमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल्स हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के, ये टाइप्स हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। इंटरकॉन्टिनेंटल को अग्नि वाले में पढ़ा था हमने, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल्स। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी होती है हमारे क्रूज मिसाइल्स की। तो क्रूज मिसाइल्स जो होती है बैलिस्टिक से थोड़ा सा अलग होती है, इनकी तकनीकी थोड़ा सा ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब ये जो क्रूज मिसाइल्स होती है, क्रूज मिसाइल्स थोड़ी सी अलग होती है, इनका जो मार्ग होता है, इनका मार्ग निर्धारित नहीं होता, ये अपना मार्ग खुद तय करती है, ये अपना मार्ग खुद तय करती है, कोई इनका पथ नहीं होता। दूसरी चीज, इनको किसी भी एंगल से छोड़ा जाता है, किसी भी एंगल से हम छोड़ सकते हैं, और ये कम दूरी वाली मिसाइल्स होती है। कम दूरी वाली मिसाइल्स होती हैं, मैक्सिमम अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं, जो क्रूज मिसाइल्स होती है। ठीक, 1000 किलोमीटर। अब जब हम इनको लॉन्च करते हैं, जब इस मिसाइल्स को हम लॉन्च करते हैं, मैंने बोला ना किसी भी एंगल से हम लॉन्च कर सकते हैं, तो ये क्या करती है, हमारे वायुमंडल के नीचे ही उड़ती है, वायुमंडल को क्रॉस नहीं करती, और जब ये आपके टारगेट पॉइंट पर पहुंचती है, तो टारगेट पॉइंट पर जैसी पहुंचती है तो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, फिर टारगेट पॉइंट पर हमला करती है। ये इनकी खासियत है, जब हम इनको लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के बाद ये क्या करती है कि पृथ्वी से, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के समानांतर कम ऊंचाई पर उड़ती है, यानी ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, हमारे वायुमंडल के नीचे ही उड़ती है, और नीचे उड़ने के कारण इनको रडार के द्वारा आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, ये रडार की पकड़ में नहीं आती है, और रडार की पकड़ में नहीं आने के कारण इनको इंटरसेप्टर मिसाइल से नष्ट भी नहीं किया जा सकता। जब पहचान में नहीं आएंगे तो नष्ट कहां से हम करेंगे। ठीक है, और जब हम इनको लॉन्च करते हैं तो ये अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचती हैं और बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं और फिर टारगेट पॉइंट पर हमला करती है, ये इनकी खासियत है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपने इनको लॉन्च कर दिया, मान लीजिए कि 400 किलोमीटर दूर हमारा कोई टारगेट है और उस पे हमको मिसाइल से हमला बोलना, सपोज दैट, ठीक, तो अगर हमने इसको लॉन्च कर दिया, बाद में पता चला कि ये टारगेट पॉइंट हम लोगों ने गलत सेट कर दिया, ठीक है ना, तो इस मिसाइल्स को हम कहीं भी गिरा सकते हैं, यानी लॉन्च करने से लेकर इसके हमला करने के बीच क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो टोटली कंट्रोल्ड होती हैं, यानी हम इनको कहीं भी किसी भी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अब दूसरी पॉइंट, अब मान लीजिए आपने टारगेट पॉइंट को सेट कर दिया और ये टारगेट पॉइंट अगर रेंज में मान लो यहां से यहां चला आया, ठीक, या यहां से यहां चला आया, तो इस क्रूज मिसाइल की खासियत यह है कि टारगेट पॉइंट जहां जहां जाएगा ये मिसाइल्स वहां वहां जाके हमला करेगी, यानी अपने टारगेट पॉइंट पर हमला करके ही मानेगी, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कि दागो और भूल जाओ,
आप निश्चिंत हो जाओ, ये अपने टारगेट पॉइंट पर हमला करके ही मानेगी, छोड़ेगी नहीं। ठीक, क्रूज मिसाइल्स में स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग होता है। हाँ, मारक क्षमता जो इनकी होती है ज्यादा होती है, बट ये दूर तक ज्यादा ट्रेवल नहीं करती। मैंने 75,000 कहां लिखा है राजीव जी? नहीं नहीं आकाश जी, हमारा जो क्रूज मिसाइल्स होता है, टारगेट के अनुसार हम अपने क्रूज मिसाइल्स को चूज करते हैं। जैसे टारगेट 400 किलोमीटर है, ठीक है, तो 400 किलोमीटर है तो उसके अंदर जो फ्यूल भरा होता है वो लगभग 800 किलोमीटर का होता है। जैसे यहां से यहां तक टारगेट पॉइंट क्या करेगा, बहुत करेगा, यहां से यहां तक हमारा क्रूज मिसाइल गया 400, और फिर ये टारगेट क्या करेगा, यहां से यहीं तक तो आ सकता है, तो वापस 400 ही तो आ सकता है। तो फ्यूल सिस्टम उसी के अनुसार क्या होता है, इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो अब ये टारगेट अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये टारगेट पॉइंट, जैसे क्रूज मिसाइल्स, मान लो कोई भी क्रूज मिसाइल्स है जिसकी रेंज है 900 किलोमीटर, मान लीजिए, है ना, 900 किलोमीटर रेंज है, तो टारगेट पॉइंट 900 किलोमीटर के रेंज में जहां भी जाएगा ये क्रूज मिसाइल्स उसको मार के ही दम लेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, उसी अनुसार उसके अंदर फ्यूल सिस्टम रखे जाते हैं, भरे जाते हैं, यानी कि मिसाइल्स की मोटाई को बढ़ा देंगे, मिसाइल्स की लंबाई को बढ़ा देंगे, वो अलग अलग। जैसे आप अभी न्यूज में देखते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स का कई एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ठीक है, अभी 3 महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल्स का फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो क्या करते हैं, उसी फ्यूल सिस्टम का एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले किया 300 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, अब ऐसा न्यूज आ रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स की रेंज को हम 1000 किलोमीटर तक बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर फ्यूल सिस्टम की एफिशिएंसी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये अपने टारगेट पॉइंट पर हमला करके ही मानती हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ। ठीक है, अब अपनी काबिलियत के कारण ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं ये कई प्रकार की होती है। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें तो बैलिस्टिक की तुलना में क्रूज मिसाइल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बैलिस्टिक लंबी दूर तक मार करती हैं, ये कम दूर तक मार करती हैं, लेकिन हथियारों के ढोने की जो क्षमता है और जल्दी से अटैक करने की क्षमता, वो क्रूज मिसाइल्स की ज्यादा होती है। यानी विस्फोटक क्षमता क्रूज मिसाइल्स की क्या होती है, ज्यादा होती है, मारक क्षमता ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको इंटरसेप्टर मिसाइल्स के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ये एक तरीके से ये गुप्त मिसाइलें होती हैं। कब लॉन्च हुई, कब आपको अटैक कर दी, पता ही नहीं चलता। ठीक, तो ये क्रूज मिसाइलें फिर कई प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं, अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये कई प्रकार की होती हैं। पहला है आपका सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनकी जो गति होती है ये लगभग 1 मैक के आसपास होती है, इनकी जो स्पीड होती है वह 1 मैक या उससे कमी होती है, 1 मैक या 1 मैक से कम होती है। ठीक है, दूसरी होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इनकी जो गति होती है 1 मैक से 5 मैक के बीच में होती है, 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। तीसरी है आपकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इनकी जो गति होती है वह 5
मैक से अधिक होती है। नहीं, इनका मार्ग जो होता है पैराबोला नहीं होता, ये अपना मार्ग खुद तय करती है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि ये क्रूज है या फिर बैलिस्टिक है। अगर रेंज कम है तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बैलिस्टिक क्रूज ही होगी। ठीक है, अरे राजीव जी, ये 75,000 नहीं है, ये ग्रेटर देन या इक्वल है यू, है ना, 75,000 नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड माइग्रेट होती है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में गणना की जाती है। ठीक है, बट क्रूज मिसाइल्स की जो स्पीड होती है वो मैक में गणना की जाती है। मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड जनरली, और मैक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक नंबर इक्वल टू होता है किसी भी, जैसे मिसाइल्स है आपकी, तो मिसाइल्स की स्पीड बटे साउंड की स्पीड, मिसाइल्स की स्पीड बटे साउंड की स्पीड। ठीक, इससे हम मैक नंबर निकालते हैं। ठीक, तो 1 मैक जो होता है वो जनरली क्या होता है, साउंड के स्पीड के बराबर होता है निर्वात में। ओके, तो ये कैटेगरियां हैं हमारे क्रूज मिसाइल्स की। अगर हम क्रूज मिसाइल्स का एग्जांपल देखें तो भारत में अपना खुद का 2 मिसाइल्स है, एक ब्रह्मोस है, दूसरा निर्भय है। ठीक, पिनाक प्रदीप जी एंटी बैरल्स मिसाइल्स है, जो एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो ये एक साथ कई प्रकार के मिसाइलों को लॉन्च कर सकती हैं। एक ही ऑपरेटस होता है जिसके अंदर बहुत सारी मिसाइल्स लगी होती हैं, इसको हम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पिनाका को, और इनकी जो क्षमता होती है वो लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में ये मार कर सकती है। ठीक है, ब्रह्मोस और निर्भय, ब्रह्मोस और निर्भय, ये जो 2 मिसाइलें होती हैं ये आपके क्रूज मिसाइलें। ठीक है, और अभी स्वप्न भी मिसाइल बन रही है, सूर्या भी मिसाइल बन रही है, ये सब भी क्रूज मिसाइल के आपके एग्जांपल। ठीक है, क्लियर। अब कुछ अन्य मिसाइलों की चर्चा कर ले। ठीक है, कुछ मिसाइलें हैं। अब प्रदीप जी अभी थोड़ा सा धीरज रखो, सब आएगा। एक दो नहीं, बहुत सारी मिसाइलें। ठीक, देखो, हाइपरसोनिक, सबसोनिक या सुपरसोनिक। ठीक है, अगर ये टर्म आता है तो आप आंख मूंद कर समझ लेना कि ये सब कैसी हैं, क्रूज मिसाइलें। ठीक है, और जो प्रहार होता है, प्रहार भी एक, प्रदीप जी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है।
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जिनकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होता है। अब कुछ मिसाइलों की चर्चा जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला मिसाइल्स है आपका ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स में जनरली स्क्रैमजेट इंजन, ऋतु जी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज होगा उस रेंज में टारगेट पॉइंट कहीं भी जाएगा तो वो क्रूज मिसाइल्स मार के ही दम लेगा उसको, ठीक है ना। तो जो हमारी मिसाइल्स होती हैं उनकी तो निश्चित दूरी होती है ना कि ये इतने ही दूर जा सकती है। मान लीजिए आपका टारगेट पॉइंट 400 किलोमीटर पे सेट है, लेकिन टारगेट पॉइंट 400 किलोमीटर के आगे चला गया तो वो तो मिसाइल 400 किलोमीटर ही तक जाएगी ना, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मिसाइल्स के रेंज में टारगेट पॉइंट जहां जहां ट्रेवल करेगा वह मिसाइल्स उसको वहां वहां जाके मारकर दम ले, ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एपीजे कलाम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है। इस ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो निर्माण है ये भारत और रूस के सहयोग से हुआ है, और इसका जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है वह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के अनुसार पड़ा है, यानी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी, इन्हीं दोनों नदियों के नाम के आधार पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। यह भारत एवं रूस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये जो मिसाइल्स है, इस मिसाइल्स की जो रेंज है शुरू में 290 किलोमीटर थी, अब इसको 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है, और अभी इन फ्यूचर में इस मिसाइल्स की रेंज को 1000 किलोमीटर करने का प्रावधान है, क्लियर। इस मिसाइल्स की जो टेस्टिंग हुई थी 2001 में हुआ था, और इस मिसाइल्स के द्वारा 200 से 300 किलोग्राम के हथियारों को ले जाया जा सकता है, और इसकी जो गति है 2.8 से 3 मैक के बीच में है, 2.8 से 3 मैक के बीच में है, यानी ब्रह्मोस किस कैटेगरी की मिसाइल्स है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। और यह भारत की पहली क्रूज मिसाइल्स है जिसे सेना के तीनों अंगों में शामिल किया गया है, सेना के तीनों अंगों में इसको शामिल किया गया है, ठीक। और इसी ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण का विकास किया जा रहा है, यानी ब्रह्मोस के हाई क्वालिटी का विकास किया जा रहा है, ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का विकास किया जा रहा है जिसका नाम है ब्रह्मोस मैक 2। और ये जो ब्रह्मोस मैक 2 होगी वो कैसी होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होगी, मिसाइल्स के हथियार ले जाने की कैपेसिटी मींस कि कितने वजन के हथियारों को वो ले जा सकती है, ठीक है। यानी उसके अंदर जो वारहेड है हर्ष जी वो कितने किलोग्राम के भरे जा सकते हैं। नहीं आकाश जी, क्रूज मिसाइल्स है, मतलब बोला ना, इनको किसी भी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। रडार गाइडेड भी ये होती हैं, हीट गाइडेड भी होती हैं, और आपका जीपीएस गाइडेड भी होती है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, वो कंट्रोलिंग के आधार पर होती है। रेंज इसकी है, नॉर्मल रेंज है 290 किलोमीटर, अभी तत्काल में इसकी रेंज 400 किलोमीटर हो गई है, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक इसको बढ़ाने का प्रावधान। ब्रह्मोस मिसाइल्स के द्वारा हम 200 से 300 किलोग्राम के परमाणु हथियारों को या किसी भी प्रकार के हथियारों को ले जा सकते हैं। नहीं, वेपन्स को ले जाती है, रखती नहीं है, वेपन्स को टारगेट पॉइंट पर गिराती है। नहीं, रडार के द्वारा इसको नहीं पकड़ा जा सकता आकाश जी, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के निचले वायुमंडल में उड़ती है। और दूसरे पॉइंट ये है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड ज्यादा, मान लो अगर रडार के द्वारा ये पकड़ भी गए, जैसे S-400 पकड़ लेगा, S-400 इसको पकड़ लेगा, लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनको मारने के लिए दूसरी मिसाइल्स जब तक लॉन्च होती हैं तब तक ये टारगेट पॉइंट पे हमला कर चुकी होती है, ठीक है। अब जो S-400 हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी का है कि वो किसी भी क्रूज और किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिरा सकता है, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि मिसाइल्स को बचाने के भी दूसरे तरीके हैं। इंडिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कहीं से कमजोर नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो ये तो कैटेगरी हो गई किसकी, ब्रह्मोस की, ठीक है। दूसरी मिसाइल से अगर हम चर्चा करें तो वो है प्रहार, ठीक है। देखो मिसाइलें बहुत हैं, एक दो नहीं है, हजारों मिसाइलें हैं, और टाइप्स की अगर बात करो करें, हाँ दिखाया जाता है मिसाइलों को, और इसलिए दिखाया जाता है कि दुनिया जाने कि हमारे पास ये चीजें है, है? हाँ बिल्कुल। और आकाश जी एक चीज और है, शायद इंटरनल सिक्योरिटी आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको, या फिर हाँ मैक 2, जो ब्रह्मोस मैक 2 है, इसके वॉरहेड ले जाने की क्षमता लगभग 1000 किलोग्राम की जाएगी, ठीक है, उसको उस अनुसार डिजाइन किया जाएगा, बट अभी ये फ्यूचर का है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत है, एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत इसका निर्माण किया है। लंबी दूरी की जो, जब इसकी 1000 रेंज करेगा, हाँ पर्यावरण पे प्रदूषण पड़ता है, 100% पर्यावरण पे इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये जो ब्रह्मोस है, लंबी दूरी की जो ब्रह्मोस होगी उसको तो हम रखेंगे, लेकिन कम दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल्स को हम बेचेंगे भी। और ऐसा पहली बार होगा कि हम मिसाइल्स बनाने के साथ साथ मिसाइल्स को क्या करेंगे, निर्यात भी करेंगे। और पहला हमारा लक्ष्य है कि हम मिसाइल्स को 3 देशों को देंगे, और वो 3 देश हैं हमारे, बांग्लादेश और आपके नेपाल और तीसरा भूटान, ठीक है। मेन रणनीति है हमारी बांग्लादेश को देने की, वो रणनीति ये है कि अगर कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच मामला बिगड़े तो मिसाइलों को लॉन्च कहां से करवा दिया जाए, बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश कथा कथित शत्रु है पाकिस्तान का, है ना। तो ये भारत की बहुत बड़ी एक रणनीति है, और अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बहुत प्रांगण हो चुके हैं, है ना। तो वर्तमान गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है, हो सकता है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल्स को पहले वो बांग्लादेश को ही दे, चूंकि उसकी रेंज 290 किलोमीटर है, उसकी कंट्रोलिंग और कमांडिंग हमारे पास है, तो जब तक हम उसके लॉन्चिंग का कोड नहीं देंगे वो लॉन्च नहीं कर पाएगा हथियार। मिसाइल के साथ ऐसी होता है, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जब बालाकोट हुआ था तो F-16 जो पाकिस्तान अमेरिका का विमान जो पाकिस्तान हमला करने के लिए आया था, भारत ने मार गिराया उसको, तो F-16 विमान पाकिस्तान इसी शर्त पे लिया था कि हम इससे केवल ट्रेनिंग लेंगे, किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं देंगे।
अब वो ऑपरेशन को अंजाम दिया, अमेरिका उस पर टाइट हो गया, अब उसकी सारी प्राइवेसी कोड ही वो ले लिया है इस समय, जितना उसको प्लेन दिया है, बात चल रही है उस पर कि भैया कोड फिर रिलीज कर दो। तो कोई भी हथियार देता है तो कुछ ना कुछ वो टारगेट टिप पॉइंट जो होता है वो अपने पास रखता है। तो बांग्लादेश को मे भी हो सकता है कि हम ऐसा करें। सनी जी भूटान को हम दे देंगे भाई, सबकी आत्मरक्षा का सवाल होता है ना, ठीक है। हाँ F-16 एडवांस चेक कर। भारत के पास अपना प्रदीप जी एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम में भारत क्या करता है कि पृथ्वी और प्रद्युम और अश्विन इन तीन मिसाइलों का प्रयोग करता है इंटरसेप्टर मिसाइल्स के तौर पे, ठीक है। वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, बट वो एडवांस नहीं है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को मारने के लिए, इंद्रजीत जी डराने के लिए तो हो सकता है ना, हम बता देंगे। आप याद करो ना, रेंज इसकी 1000 किलोमीटर तक बढ़ा रहे, तो हम बोल देंगे कि हम 400 वाला दे रहे, हो सकता है 1000 वाला दे दे, ये भी तो हो सकता है। ये सब राजनीतिक वो होता है, क्राइटेरिया होता है। चलिए दूसरी मिसाइल है आपकी मिग सीरीज की जो विमाने हैं ना, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। कृष्णराज राजपूत जी ये सब छुपी हुई हैं। माना जाता है कि रसिया के पास 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल करने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। अभी तक जो क्रूज मिसाइल्स हैं जो लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली हैं, लेकिन रसिया के पास माना जाता है कि उसके पास 3000 और 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइल्स। और हम ये मान भी सकते हैं क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि जैसे आप रसिया जो इस समय रसिया की सेना में जो शामिल है एयर डिफेंस सिस्टम, वो S-500 है और वो S-700 पे काम कर रहा है, ठीक है। तो रसिया को हम कहीं से कमजोर नहीं समझ सकते हैं। मिसाइल के मामले में वो अमेरिका से आगे निसंदेह, बस फाइटर प्लेन के मामले में वो थोड़ा सा अमेरिका से पीछे है। आप निकाल लो ना मैक की स्पीड से जाती है तो कितना जाएगी, कैलकुलेट करके निकाल लो। साउंड की स्पीड से चलती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए दूसरी मिसाइल से हमारी प्रहार। जो प्रहार मिसाइल्स होती हैं ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल्स होती हैं, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर। जो आपकी प्रहार मिसाइल्स हैं, ठीक है, प्रदीप जी ने पूछा था, तो प्रहार जो होती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स होती हैं, और ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, ठीक है। दूसरा पिनाक या पिनाका बोलते हैं इसको, पिनाका। ये जो पिनाका मिसाइल्स होती हैं, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होती है, यानी ये सतह से सतह पर मार करने वाली बहुत सारी मिसाइलों का एक संग्रह होता है, जो 5 मिनट के अंतराल में ही ये मिसाइलों को लॉन्च करती है, ठीक है। यानी कि और इनका एडवांस वर्जन है वो 40 सेकेंड में ये एक साथ 12 रॉकेट को दाग सकता है, पिनाका। तो पिनाका क्या है, एक तरीके से लॉन्चिंग सिस्टम है, मल्टी बैरल
रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है जिससे तीन चार बार क्वेश्चन आए हैं, वो मिसाइल्स है आपका अस्त्र। ठीक, अस्त्र, अस्त्र मिसाइल। ठीक, ये जो अस्त्र मिसाइल्स होती हैं, जनरली ये हवा में मार करने वाली मिसाइल्स होती हैं। इनको 2003 में बनाया गया था। जो हमारे फाइटर प्लेन हैं MiG-29 और SU-30, MIG MiG-29 और SU-30, ये जो हमारे फाइटर प्लेन हैं, इन फाइटर प्लेन से इन अस्त्र मिसाइलों को छोड़ा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा गया है, अस्त्र मिसाइल्स को सिटीजन मिसाइल्स यानी नागरिक मिसाइल्स भी बोलते हैं, अस्त्र मिसाइल्स को नागरिक मिसाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण दिल्ली, मुंबई और पुणे, दिल्ली, मुंबई एवं पुणे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं नागरिक मिसाइल, सिटीजन मिसाइल्स। बेसिकली ये दिल्ली, मुंबई और पुणे की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं, यानी कि इन शहरों पर जल्दी कोई दूसरा देश मिसाइल अटैक नहीं कर पाएगा। उस मिसाइल्स को ये हवा में ही क्या गिराएंगे, मार गिरा देंगे, अस्त्र मिसाइल। ठीक है, इनको विशेष तौर से इन्हीं शहरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और ये फाइटर प्लेन 24 घंटे तैयार रहते हैं, और भारत के संसद भवन जो होता है, संसद भवन के आसपास ये ज्यादा सुरक्षा करते हैं। ठीक है, मोहम्मद जी, मोहम्मद कैफ जी, जो अस्त्र मिसाइल्स होती हैं, ये एक तरीके से एंटी एयर मिसाइल्स होती हैं। 2003 में इनको बनाया गया था। मारक क्षमता 40 किलोमीटर, और इसे लड़ाकू विमान से MiG-29 और SU-30 से लॉन्च किया जाता है। ये विशेष तौर से इस मिसाइल्स का निर्माण दिल्ली, मुंबई एवं पुणे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस वजह से इनको हम सिटीजन मिसाइल्स या फिर नागरिक मिसाइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दूसरा इंपॉर्टेंट, निर्भय। निर्भय मिसाइल, ये जो निर्भय मिसाइल्स है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। रेंज इनकी है 600 से 800 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, गति इनकी कम है, स्पीड है 0.76 मैक, 0.76 मैक। ठीक है, स्पीड पे मत जाना, है बहुत घातक ये। अभी इसके कैरेक्टर को हम बता रहे हैं, छह सौ कहां लिखा हूं,
कहां 600 से 800 लिखा हूं भाई। अच्छा बोला है ठीक है, ये रेंज दूर जाना ठीक है ना, यानी कि जो रेंज है इसकी निर्भय की वो है 600 से 800 किलोमीटर ठीक है। वजन ले जाने की क्षमता है इसकी 450 किलोग्राम ठीक है, और ये सभी मौसम में पृथ्वी से 500 मीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती हैं, चाहे जैसा भी मौसम रहे 500 मीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। क्लियर, कितने फीचर हो गए, स्पीड 0.76 मैक, रेंज 600 से 800 किलोमीटर, हथियार ले जाने की क्षमता 450 किलोग्राम ठीक है, ऊंचाई 4 किलोमीटर से 500 मीटर के बीच, सॉरी 500 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच में। अब इसका बेसिक फीचर देखो, इसे जो लॉन्च किया जाता है वह मिसाइल के तौर पे ठीक है, और हाई एडवांस और हाई टेक्निकल ये मिसाइल्स होती हैं। जब ये अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचती है तो टारगेट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये हमला नहीं करती है, टारगेट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये टारगेट पॉइंट पर मंडराती रहती है, और सही स्थिति और सही एंगल यानी सही टाइम और सही एंगल का अनुमान लगा के फिर ये तेजी से क्या करती है, हमला बोलती है। और अगर इस मिसाइल को लगता है कि उसको कहीं से ट्रैक किया गया है, किसी रडार के द्वारा इसको पकड़ा जा रहा है, या कहीं से भी इसको ट्रैक करने का थोड़ा सा भी संदेह होता है, तो यह मिसाइल्स एक पक्षी की तरह अपना रूप ले लेती है, यानी लॉन्च किया जाता है रॉकेट के तर्ज पर, उड़ती हैं ये कैसे, प्लेन के तर्ज पर, तो दुश्मन को लगता है कि कोई ये प्लेन है, मिसाइल्स नहीं है ठीक है ना, पक्षी की तरह डैने निकाल लेती हैं, जैसे ड्रोन है ना उस टाइप के ये बना लेती हैं अपना का, फिर सही एंगल और सही टाइम देखकर टारगेट पॉइंट पर क्या करती हैं, हमला बोलती हैं। इस वजह से इस निर्भय मिसाइल्स को दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में रखा गया है, सबसे डेंजरस मिसाइल्स में इसकी नाम है ठीक है। ये जो होती हैं लक्ष्य के पास पहुंचकर उसके चक्कर लगाकर सही कोण और सही समय का अंदाजा लगाकर एक साथ कई दिशाओं में हमला बोल सकती है, इस टाइप की ये क्रूज मिसाइल्स है। और 2014 में डीआरडीओ ने चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण कर लिया ठीक है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है, और यह भारत की पहली ऐसी मिसाइल्स है जिसको मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है ठीक है। नियर अबाउट 400 से 500 करोड़ जितना आपका रॉकेट में होता है, लगभग लगभग उतना ही खर्च आपके मिसाइल्स में होता है, क्योंकि मिसाइल्स में जो हथियार रखे जाते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं ठीक है। अब खर्च हमारा इसमें कम होगा क्योंकि हमारे पास SSLV भी इंजन बन चुका है, RLV होगा, तो अब खर्च कम हो जाएगा। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है कि मतलब किसी भी मिसाइल्स को हम सिंपली मोबाइल से भी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब बहुत इजी तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत आज आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से अपने घर की टीवी चला लेते हो, एसी चला लेते हो, होता है, तो उसी तरीके से अब हम मोबाइल लॉन्चर से क्या बोलता है मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं जी हाँ, इसके इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सभी लोगों को नहीं मिल पाते,
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, देखिए सनी जी कौन सी मिसाइल्स है इसकी तो वो नहीं है, अक्सर वे मिसाइलें जिनमें परमाणु हथियार रखा जाता है उन सभी परमाणु हथियारों के जो मिसाइल्स होते हैं उनके लॉन्चिंग का जो आखिरी कोड होता है वह किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का फिंगरप्रिंट होता है, आखिरी कोड। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपके देश के जब प्राइम मिनिस्टर चलते हैं तो उनके साथ जो उनका गार्ड होता है एसपीजी सुरक्षा गार्ड एक छोटा सा सूटकेस लेके चलता है, ध्यान देना दिख जाएगा आपको, छोटा सा ब्रीफकेस लेके चलता है। तो उस ब्रीफकेस में प्रधानमंत्री के सेविंग किट और टूथब्रश नहीं होता है। ठीक, जितने भी मिसाइल्स होते हैं घातक मिसाइलें होती हैं उन सभी मिसाइलों के उसमें आखिरी कोड होता है। प्रधानमंत्री कहीं भी हो दुनिया में, सपोज दैट प्रधानमंत्री अमेरिका गए, भारत के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और सेनाएं तुरंत मिसाइल्स दागने के लिए एक्टिव हो गई, और विशेष तौर से जो न्यूक्लियस मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियस मिसाइल्स अति सुरक्षात्मक मिसाइल्स होती हैं, तो उनको लॉन्च करने के लिए राजनीतिक परिषद का भी मंजूरी जरूरी है। अब प्रधानमंत्री बाहर है तो कैसे बैठक करेंगे, तो सब कुछ फाइनल होने के बाद फिर ब्लूप्रिंट माना जाता है उनका, तो वो ब्रीफकेस खोलेंगे अपना प्रिंट देंगे पर तुरंत वो क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ठीक, तो हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा होता है। ज्योति जी किसकी, निर्भय की, निर्भय की जो रेंज है वो है 600 से 800 किलोमीटर, नहीं सिक्योर होता है ये, कभी भी हैक नहीं हो सकता है। वो इसलिए हैक नहीं हो सकता है कि इनकी जो कमांडिंग होती है विशेष तौर से सेना द्वारा डीआरडीओ द्वारा या इसरो द्वारा प्रायोजित विशेष सैटेलाइट से होती है। ठीक है, जैसे हमारी सेना के लिए इसरो ने, हमारी सेना के लिए इसरो ने कई प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, GSAT-7, GSAT-7A, CARTOSAT-1, CARTOSAT-12, RESAT-12, MICROSAT-R, ये सब जो सैटेलाइट्स हैं इसमें कुछ ऐसे ट्रांसपोंडर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ सेना करती है, इसको हैक होने का सवाल ही नहीं, इसलिए कभी हैक नहीं होते। ठीक है, ये सब देखिए कुशवाहा जी बकवास है कि मनमोहन सिंह के केस में फिंगरप्रिंट सोनिया गांधी का होगा, है ना, ये सब चीजें फालतू की हैं, इस पे बहस नहीं करना चाहिए। और एक बात और मैं बता दूं, आज आप जिस अनुसार से भारत की आर्थिक स्थिति है ना उसमें मनमोहन सिंह का ही योगदान है। जिस समय खाड़ी युद्ध हो रहा था ना, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंहा राव, अगर ये लोग समझदारी से काम नहीं करते ना तो हम आर्थिक गुलामी की तरफ जा चुके होते। इज अ ग्रेट पर्सन मनमोहन सिंह, इंटेलेक्चुअल पर्सन और ग्रेट पर्सन है, उनका इतना मजाक बनाया जाता है, बड़ा दुख होता है। ठीक, कभी किस, देखिए आप किसी का भी मजाक बनाइए निसंदेह चलता है, जो आपकी बराबरी का है ना, जो आपसे ऊंचे पद पे, किसी पे मजाक बनाने का हद नहीं हो, हक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप जो कॉमेडी कर लेते हो वो बात दूसरी है, बट आप उनके एबिलिटी को भी तो देखिए, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट में आज भी उनका नाम होता है, वर्ल्ड के मैं बात कर रहा हूं। अगर चापलूसी नहीं होती ना तो नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका होता, जो अमर सेन को मिला ना वो मनमोहन सिंह को मिल चुका होता।
न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में हर कुछ भी कहा जा सकता है कि जिस देश के ऊपर कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स गिरेगी तो वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्बोजेट प्रदीप जी इंजन होता है, ठीक है। चलिए निर्भया हो गया, निर्भया के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मिसाइल्स की तरफ जिसका नाम है SLBM। SLBM ठीक है, SLBM को हम बोलते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। यह भारत का पहला सबमरीन मिसाइल्स है, ठीक है, भारत की पहली सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसको 1994 में डीआरडीओ के द्वारा अनुमति मिली। क्या ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई? पीएम के गार्ड के पास बैग में सभी मिसाइलों के कोड मौजूद होते हैं, लॉन्चिंग के कोड, जितने भी घातक हथियार होते हैं उनके आखिरी कोड उसी में होता है, ठीक है। हाँ, अंश गर्ग जी, क्या लिखा है, MRSAM, ये एक प्रकार की सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स होती है, ठीक। आइए, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स 1994 में अनुमति मिली और इसका निर्माण किया गया, और इस सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो निर्माण किया गया था ये डीआरडीओ के ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। इसे K-15 के नाम से भी जाना जाता है, K-15 के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो डीआरडीओ का ब्लैक प्रोजेक्ट था, जैसे नाम से ही ब्लैक है, अत्यंत गोपनीय प्रोजेक्ट था, इसका सफल परीक्षण 2008 में किया गया, ठीक है, और इसकी जो रेंज थी वह 700 किलोमीटर, रेंज जो इसकी है वो 700 किलोमीटर, यानी कि भारत के पास पहले एयर से लॉन्च करने वाली मिसाइलें थी, हवा से, स्थल से लॉन्च करने वाली मिसाइलें थी, अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री डीआरडीओ सब मिलके करते हैं, इसमें टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट सभी होते हैं, सेना के तीनों अंग भी शामिल होते हैं। तो भारत जो है, भारत के पास जो क्षमता है वो पानी के अंदर से भी मिसाइल्स को लॉन्च करने की अब हो गई, यानी भारत जो है फ्रांस रूस अमेरिका और चीन, भारत फ्रांस अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत पांचवां ऐसा देश है जिसके पास जल थल वायु तीनों से मिसाइल्स दागने की क्षमता मौजूद है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी K-15 मिसाइल्स के सफल होने के साथ ही, ठीक है। अब इसी के साथ साथ डीआरडीओ का एक और ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत एक और सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया गया और इसको बना लिया गया, जिसको हम बोलते हैं K-4 मिसाइल। अब ये जो K-4 मिसाइल्स है इसका परीक्षण भी कर लिया गया है और इसको INS अरिहंत नामक युद्ध पोत में इसको लगाया भी गया है, ठीक। और ये जो आपका K-4 मिसाइल्स है और K-15 मिसाइल्स है, ये इतने घातक मिसाइलें हैं
कि भारत की इस मिसाइल्स के निर्माण के कारण भारत की जो पनडुब्बी क्षमता है वो बहुत आगे बढ़ गई है, ठीक है। और इस मिसाइल्स की आप खासियत देखो कि जब ये पानी के अंदर से लॉन्च होती है, पानी के अंदर से लॉन्च होने के बाद ये 5 किलोमीटर ऊपर तक जाती है, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ऊपर जा सकती है और 700 किलोमीटर दूर जा सकती है, क्षमता है इसकी। क्लियर? किसकी? K-15 की। मतलब ये 5 किलोमीटर ऊपर के साथ 700 किलोमीटर दूर तक जा सकती है K-15। और उससे भी खतरनाक है आपका K-4। K-4 की जो क्षमता है वो है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। सब क्रूज मिसाइल्स की कैटेगरी की है, ये तो बैलिस्टिक मिसाइल्स है K-4, ठीक है। जनरली जो मिसाइल्स होती है आकाश जी, उसमें हम स्क्रैमजेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं, और फ्यूल के बारे में मैंने बताया, या तो सॉलिड इस्तेमाल होगा या तो सॉलिड या लिक्विड इस्तेमाल होगा, ठीक। नहीं, ब्रह्मोस को सबमरीन से हम लॉन्च नहीं करते, ब्रह्मोस को हम सरफेस से लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब K-15 और K-4 अभी DRDO क्या कर रही है, इसी K-15 के जमीनी संस्करण का विकास कर रही है, यानी ऐसी K-15 मिसाइल्स जिसको हम जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। जनरली ये कहां से लॉन्च होती हैं? पानी के अंदर से। हाँ, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है इसको हम बोलते हैं ऐसी मिसाइल्स जो पानी के अंदर से लॉन्च की जाती है, वह ऋतु जो कहलाती है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। उसमें पहला मिसाइल उसका एग्जांपल है K-15 और दूसरा है आपका K-4, और इसी K-15 के जमीनी संस्करण का विकास किया जा रहा है। तो K-15 के जमीनी संस्करण का जो विकास किया जा रहा है उस मिसाइल्स का नाम होगा सौर्य। अभी बना नहीं है, बनने वाला है, उसका नाम होगा सौर्य। हाँ, बैलिस्टिक है, ठीक है। INS अरिहंत में लगाया गया है इसको, सनी जी। अब मिसाइल्स के बाद इसी से रिलेटेड है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। यानी कि किसी भी मिसाइल से अपने देश को बचाने के लिए, किसी भी मिसाइल से अपने देश को बचाने के लिए हम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं मिसाइल्स के साथ, उसको हम बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम के पहले थोड़ी सी हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे इसका, कि कोई भी मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम, देखो है क्या कि मान लो ये हमने यहां से एक मिसाइल लॉन्च किया, ठीक है, और ये हमारा क्या है टारगेट पॉइंट, लिखो मत अभी, केवल समझो, ठीक है। किसी दूसरे देश पे हमको हमला करना है, ठीक है। तो अगर इस मिसाइल को हम लॉन्च करेंगे, चूंकि दूसरे देश पे हमला करना है, दूर तक तो ये कैसी जाएगी, पैराबोला मार्ग से जाएगी। तो जब हम इसको लॉन्च करते हैं
तो लॉन्च करने का फेज कहलाता है बूस्ट फेज। इसको हम बोलते हैं बूस्ट फेज। जब ये इस मार्ग में ट्रेवल करती हैं ये मिसाइल्स, तो इसको हम बोलते हैं मिड फेज। मिड फेज। और जब अपने टारगेट पॉइंट पर हमला करने वाली होती हैं, तब हम इसको बोलते हैं टर्मिनल फेज। तब हम इसको बोलते हैं टर्मिनल फेज। अब आप समझो, ठीक। जनरली किसी भी मिसाइल्स को जब हम मारते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल से, या तो हम उसको मिड फेज में मार सकते हैं, या तो हम उसको टर्मिनल फेज में मार सकते हैं, ठीक है। किसी भी देश के पास ऐसे लिख के आ रहा, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, चर्चा करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम समझने के पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब हम किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो जो लॉन्चिंग का टाइम होता है 2 से 3 मिनट का जो टाइम होता है, वो कहलाता है हमारा बूस्ट फेज। जब वो ट्रेवल करती है तो हमारा कहलाता है मिड फेज, ठीक है। और जब टारगेट पॉइंट पे हमला करने वाली होती है तो वो कहलाता है टर्मिनल फेज। तो जाहिर सी बात है, किसी मिसाइल को अगर हम इंटरसेप्टर मिसाइल के द्वारा नष्ट करेंगे, तो नष्ट करने में हमको कहां पे नष्ट कर सकते हैं, मिड फेज में या फिर टर्मिनल फेज में, ठीक है। तो जितनी भी देश हैं, अमेरिका के अलावा सभी देशों के पास जो तकनीकी है मिसाइलों को नष्ट करने की, वो या तो मिड फेज में है या तो टर्मिनल फेज में है। दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका जिसके पास मिड फेज में ही मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है, सॉरी बूस्ट फेज में ही मिसाइल्स को नष्ट करने की क्षमता है। यानी कि कोई भी देश अपने मिसाइल्स को लॉन्च करने वाला होता है, लॉन्च वो किया ही नहीं कि उसके मिसाइल्स को उसी की धरती पर नष्ट करने की क्षमता कौन रखता है? अमेरिका। बूस्ट फेज में सैटेलाइट के माध्यम से वो नजर गड़ाए रखेगा, ठीक है, और जैसे उसको लगेगा कि ये मिसाइल्स लॉन्च करने वाले हैं, 2 से 3 मिनट में मिसाइल्स लॉन्च करने वाले हैं, अपने निकटतम युद्ध पोत से वो क्या करेगा, मिसाइल्स को लॉन्च करेगा और उस देश की मिसाइल्स को उसी देश की धरती पर क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये तकनीकी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? अमेरिका के पास है, और दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हमारे पास भी क्षमता है तो मिड फेज में है या फिर टर्मिनल फेज में, ठीक है। अब टाइम हो गया, हम लोग कल देखते हैं, कल हम लोग देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। नहीं, अभी अमेरिका ने यूज नहीं किया है, अभी 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। Thank you.
नहीं, अगर अमेरिका से दूर है तो वो नहीं कर पाएगा सनी जी, लेकिन आपको पता है कि जो अमेरिकी युद्ध तोप होते हैं वो हर देश की सीमाओं के पास लगे होते हैं, वो सुरक्षा के तौर पे लगाया रहता है। अब मालूम नहीं मुझे क्रिसमस की छुट्टी है कि नहीं, जहां तक उम्मीद है नहीं होगी। डिफेंस का मैंने नोट्स भेज दिया था, जो आप लोग ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में भी मैंने भेज दिया था, ठीक है। और आज शाम को आपको मैं न्यूक्लियर एनर्जी का भी भेज दूंगा, ठीक है। क्या मैसेज आ गया है? कल छुट्टी है क्या? नहीं, मैंने ग्रुप ऋतु जी नहीं बनाए, स्टूडेंट लोग ही बनाए हैं। मुझे नहीं पता है ग्रुप के बारे में, मुझे ऐड कर दिया गया है तो मैं अपना उसमें भेज देता हूँ नोट्स। बाकी मैं उनको भी नोट्स भेज देता हूँ, चाणक्या को भी नोट्स भेज देता हूँ कि वो आप लोगों को भेज दे। हाँ, मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है। नहीं, कभी सैटेलाइट को कोई भी दुश्मन देश गिराने की कोशिश नहीं करता है। सनी जी, ये कूटनीति होती है देशों के साथ। अमेरिका क्या करता है, देशों को मदद देता है और मदद के बहाने अपनी नेवी सेना को उस देश की सीमा पर तैनात कर देता है कि उस देश के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए, लेकिन मकसद उसका अपना खुद का रहता है। हाँ, पिनाक मिसाइल जो होती है वो एक तरीके से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे रॉकेट लगे होते हैं, और ये जो पिनाक होता है लगभग 40 सेकेंड के अंदर 12 मिसाइलों को दाग सकता है, ठीक है। ये मिसाइल जो होते हैं लगभग 40 से 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखते हैं, तो इनको युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ओके, कल आपकी क्लास ऑफ है। डिफेंस सिस्टम की ऋतु जी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन तो इसका कुछ है ही नहीं है। डिफेंस नीति थी या डिफिनीशन, आप इसका ऐसे भी बना सकते हो कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए
जो संस्थाएं आधुनिक हथियारों का निर्माण करती हैं, ठीक है, बाकी डिफेंस नीति होती है, देखो 3 नोश जो शुभम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, बायोटेक का और स्पेस का, ये 3 बचा हुआ है, ये 3 आपको मिल जाएगा। नहीं अभी ये 3 पीडीएफ मैंने नहीं भेजा है, न डाइजेस्टिव का, न बायोटेक का, न ही स्पेस का, ठीक है, डिफेंस का भेज दिया हूं मैं। अब जितने भी क्लास चलेंगे वो एडवांस में ही हम आपको पीडीएफ भेज दिया करेंगे, जैसे आज शाम को हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी भेज देंगे, ताकि मंडे को क्लास आधे घंटे का और डिफेंस है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी हम शुरू कर देंगे, तो उसके मटेरियल आपके पास रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ग्रुप का एडमिन, देखो भाई ग्रुप का एडमिन कौन है बता दो, ये मैं देखता हूं। नाम तो इसमें शो नहीं कर रहा है, एक पाठक कोई है, एक सनी जी हैं। हाँ सनी जी देखिए, रितु जी बोल रही हैं कौन ग्रुप में ऐड होने को कर दीजिए, नीतीश पाठक। हाँ बाकी मैंने भेज दिया है, मैं सर से भी बोल दूंगा कि वो पीडीएफ भेज दे जो इसको गवर्न करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके बाद आपका रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स, नैनो, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, फिर आईटी और आईपीआर। हाँ नेक्स्ट वीक में आपका खत्म हो जाएगा, नए साल के पहले मैं सोच रहा हूं खत्म हो जाएगा। रितु जी रडार आएगा डिफेंस में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। या रितु जी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है सनी जी अपना नंबर भेज दीजिए, लोग मांग रहे हैं ग्रुप एडमिन का नंबर क्या है। पनडुब्बी मतलब ऐसा जहाज जो पानी के अंदर ट्रेवल करता है रितु जी, वन मिनट चाहिए।